बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद एमन। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ द सोनो रिसेप्टर एयर। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सोनो रिसेप्टर्स, सोनो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर्स विच रिसीव द साउंड वेव्स। के सोनो रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं। किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर ये सोनो रिसेप्टर्स कौन होते हैं, कौन से ऑर्गन को हम सोनो रिसेप्टर बोलते हैं? ईयर्स को। मींस के ह्यूमन बींग्स के अंदर और जो बाकी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर पेयर ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कि आपके कान ही वो ऑर्गन होते हैं, वो रिसेप्टर होते हैं जो कि किसी भी साउंड को रिसीव करते हैं, कोई भी आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स विच है वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ये क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ एयर। द ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड वन इज मिडल ईयर एंड द थर्ड वन इज इंटरनल ईयर। यह आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि ये पिन्ना, ऑर्टरी कैनाल और ये ईयर ड्रम, ये तीनों कंबाइन होके एक पार्ट बनाते हैं जो कि क्या है? आउटर ईयर। इसके अलावा आपका ये जो मैलियस, इंकस और स्टेप, जो थ्री बोन्स होती हैं ईयर की, ये कंबाइन होके क्या बनाती है? मिडल ईयर। और आखिर में ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ओवल विंडो और कॉकलिया, ये सारे पार्ट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? इनर ईयर। आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि आउटर ईयर क्या है और इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं ये क्या क्या काम करते हैं। मिडल ईयर के अंदर ये जो बोन्स हैं इनके क्या क्या नेम है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती हैं, लार्जेस्ट कौन सी है, और इनर ईयर जो हैं वो उनके पार्ट्स कौन कौन से और वो क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड द ईयर ड्रम। पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको डायग्राम के जरिए भी बताऊँगी। फर्स्ट वन क्या है? पिन्ना। पिन्ना क्या है हमारे पास? कार्टिलेजनेस स्ट्रक्चर। कार्टिलेजनेस स्ट्रक्चर मतलब एक तो बोन होती है और एक कार्टिलेज। बोन क्या होती है? आपकी साफ चौकी जो हाथों वगैरह के अंदर, ये क्या है? बोन। जबकि आपके ईयर के अंदर जो फ्लैप होते हैं उनको आप इजीली आप इस तरह उसको पकड़ के किसी भी साइड उसको डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? कार्टिलेज होता है कि इजीली मुड़ जाते हैं वो, तो वो कार्टिलेजनेस स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? पिन्ना। इसका फंक्शन ये होता है कि ये साउंड वेव को रिसीव करता है, फिर ये साउंड वेव को रिसीव करके सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाएगा जो है ऑडिटरी कैनाल। फिर ऑडिटरी कैनाल के अंदर जब वो साउंड वेव्स जाएंगी देन वो मूव करेंगी टूवर्ड्स द ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम जो है वो एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को आपस में सेपरेट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? पिन्ना, यानी कि ये जो आउटर आपका ईयर नज़र आता है उसको आप क्या बोलते हैं? पिन्ना। उसके बाद ये कैनाल सी नज़र आ रही है आपको, इस कैनाल को आप क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल। और आखिर में आपको ये ब्लू से कलर का नज़र आ रही है, क्या है? ईयर ड्रम। तो ये तीन पार्ट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आउटर ईयर। और ये जो ईयर ड्रम है ये सेपरेट करते हैं मिडल ईयर को और आउटर ईयर को। ठीक है, नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिडल ईयर। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स, इंकस, मैलियस एंड स्ट्रेप, या मैलियस, इंकस एंड स्ट्रेप। अगर आपसे कोई ये पूछे, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर कौन सी होती है, कहाँ पे होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो ईयर बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, और इन तीनों बोन्स में भी सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप्स। ठीक है, अब ये जो आपके तीनों बोन्स हैं ये ईयर के अंदर अटैच होती हैं लाइक अ चेन, कि चेन की तरह ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? अटैच होती हैं। आपको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है? एक यूस्टेशियन ट्यूब, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके फैरिंग्स की तरफ जाती है। ठीक है, कैसे कैसे होती है मैं आगे आपको डायग्राम में डिस्कस करती हूँ। यह आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है? मैलियस, एक क्या है? इंकस, और ये क्या है? स्टेप। ये येलो से कलर की आपको जो बोन्स नज़र आ रही हैं ये कहाँ पे होती है? मिडल ईयर में। और ये मैंने अभी कहा था कि ये सारे के सारे क्या होती हैं? चेन लाइक अटैच होती हैं, तो आप देखें चेन सी बना रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बताते हैं कि ये अटैच किस किस के साथ होती हैं। ये जो मैलियस है ये किसके साथ अटैच होता है? आपके ईयर ड्रम के साथ। और जबकि ये जो आखिरी है स्टेप, ये किसके साथ अटैच होते हैं? आपकी ओवल विंडो के साथ। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि ये तो चेन लाइक अटैच होती है, साथ हमने बात की थी यूस्टेशियन ट्यूब की,
तो ये जो आपको नज़र आ रही है इन बोन्स के नीचे, ये जो रेड से कलर की ये जो कैनाल्स ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको आप क्या बोलते हो, यूस्टेशियन ट्यूब, ये कहाँ पे जाती है, आपके फैरिंक्स की तरफ। देखिए अक्सर आप नोज़ में ड्रॉप्स वगैरह डालें वो आपको एकदम से आपके गले में फील होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे जो भी ड्रॉप डालते हो वो इन ऑर्गन्स के जरिए जाता इस यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए कहाँ पर जाता है, आपके फैरिंक्स में। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बात। लास्ट वन है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर कंटेन्स अ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स। इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है, सारा का सारा फ्लूइड्स होता है, और टू मेन पार्ट्स होते हैं इसके। द फर्स्ट वन इज़ द कॉकलिया एंड द सेकंड वन इज़ थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स कितनी होती हैं, थ्री। डायग्राम में आपको बताती हूँ मैं आगे। ये कॉकलिया क्या करते हैं, कॉकलिया के अंदर एक हेयरिंग अपरेटस होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गन ऑफ गॉर्टाई। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, हेयर लाइक सेल्स या हेयर सेल्स होते हैं जो कि आपके साउंड्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसकी वजह से क्या रहता है, आपका बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो ब्लू ब्लू सी आपको नज़र आ रही है, और ये जो ब्राउनिश ऑरेंज है ये क्या है, कॉकलिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या हुआ, यहाँ से हमारी एयर सॉरी साउंड जो है वो यहाँ पे आता है, इसको ये आपका पिन्ना रिसीव करता है, फिर इस पिन्ना के अंदर के जब साउंड आता है तो वो इस कैनाल के ज़रिए जाता है ईयर ड्रम की तरफ, वहाँ से इन बोन्स की तरफ ट्रांसफ़र होते होते वो सेमी सर्कुलर कैनाल से होते होते वो कॉकलिया में जाता है, और उधर से वो जाता है टूवर्ड्स द ऑडिटरी नर्व। नाम से जाहिर है कैसी नर्व जो क्या करेगी, साउंड को रिसीव करेगी, तो वो साउंड को रिसीव करके ये नर्व, और नर्व आपको पता है ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती है, तो आपके ये जो ऑडिटरी नर्व आपका साउंड रिसीव करेगी इसको लेके जाएगी आपके ब्रेन की तरफ, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारा क्या था, ईयर और उसकी स्ट्रक्चर और साउंड वगैरह किस तरह आपकी बॉडी के अंदर, आपके ईयर के अंदर, आपके ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट आर टूडेज टॉपिक। आप लोगों की सिर्फ इतनी सी गुजारिश आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देख लिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आपके एक स्किप की वजह से हमारी सारी वीडियो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।